आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी कर्स का शरबत बनाने का तरीका। तो ये मैंने स्ट्रॉबेरी कर्स लिया है, तो इसका शरबत बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मैंने अमूल दूध की थैली ली है, दूध को मैंने बॉइल नहीं किया, मैं ठंडे दूध में ही बना रही हूँ। अगर आपके पास गर्म दूध हो तो आप उसको ठंडा कर लें। अमूल दूध की जो थैली, मैंने दूध की थैली ली है, आप भी इसी से बनाइए। और 4 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे और 4 से 5 बड़े चम्मच ये स्ट्रॉबेरी कर्स, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आपके पास इसका दूसरा फ्लेवर है तो आप वो ले सकते हैं। गर्मियों में ये बनाना बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि गर्मियों में सबको ठंडा ही पीना पसंद आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे थोड़ा इसका कलर हल्का लगा तो मैंने इसके ऊपर 2 चम्मच और ऐड कर दिए। तकरीबन मैंने 6 से 7 चम्मच स्ट्रॉबेरी कर्स इसके अंदर ऐड किया है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हिलाएंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर आइस क्यूब डाल दूंगी। ये मैंने बर्फ़ के आइस क्यूब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसको 5 मिनट के लिए और ऐसे ही हिलाएंगे, ये ठंडा भी हो जाएगा। और ठंडा ठंडा शरबत पीना सबको पसंद होता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये हमारा शरबत बन के तैयार हो गया, मैं इनको गिलास में ऐड कर दूंगी। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ फुल वॉच करें। गर्मियों में ठंडा ठंडा शरबत बन के तैयार है, स्पेशली सुमेर ड्रिंक बनाया है मैंने, रमज़ान के लिए भी फ़ायदेमंद है। इफ्तारी